मार्केट में इन्वेस्ट करने की अपनी ही जटिलताएं हैं। अगर आपने बाजार में इन्वेस्ट करने का मन बना लिया है तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्ट कहां करें अच्छा आपने कहा म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड या शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए क्या लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए जो मिड या स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं आइए इस वीडियो में समझते हैं कि क्या सही है एग्जाम्पल के लिए इस टेबल को देखें जो पिछले 60 क्वार्टर्स में बेस्ट परफॉर्मिंग कैपिटलाइजेशन टाइप को लिस्ट करता है डिस्प्ले किए गए 60 क्वार्टर्स में से लार्ज कैप्स 25 क्वार्टर्स में बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं स्मॉल कैप्स 19 क्वार्टर्स में टॉप रैंक कर रहे हैं जबकि मिड कैप्स का केवल 16 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस लीडरशिप रहा है अब विजुअली इस डेटा से हमें ये इंप्रेशन मिलना चाहिए कि लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप्स का परफॉर्मेंस मिड कैप्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर रहा है सरप्राइजिंगली अगर हम क्वार्टर परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज करते हैं और पूरे पंद्रह साल के डेटा पर गौर करते हैं असल में ये मिड कैप्स हैं जिन्होंने दस के ईयरली रिटर्न के साथ बेस्ट परफॉर्म किया है इसलिए हमेशा कुछ बायसेज कुछ विजुअल ट्रिक्स रहे हैं जब हम डेटा को एग्जामिन करते हैं और जब हम इन्वेस्ट करते हैं और इस वीडियो में हम वही करेंगे जैसा कि ई मनी हमेशा करता रहा है ये वीडियो लार्ज कैप्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को अलग तरीके से देखने का गोल रखता है जिससे कि आपको एक रिफ्रेशिंग परस्पेक्टिव दिया जा सके कि इन कंपनीज के साइज के अलावा इनके कैपिटलाइजेशन से और क्या ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है आइए शुरू करते हैं एक समय था जब लार्ज कैप्स क्या है मिड कैप्स क्या है और स्मॉल कैप्स किससे बनता है इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं थी हर एक फंड हाउसेज और इक्विटी एनालिस्ट के पास अपने खुद की डेफिनेशन हुआ करती थी फिर साल 2017 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी ने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया और उस साल अक्टूबर में उन्होंने एक सर्कुलर निकाला जिसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि लार्ज कैप्स मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स कंपनी कैसे बनती है इसलिए अब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर पहली 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं और करंट लिस्ट के अकॉर्डिंग रैंक एक वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से लेकर 100 रैंक वाली पीआई इंडस्ट्रीज तक सभी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज के लिस्ट में आते हैं इसी तरह मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो 101 से 250 के बीच रैंक की जाती हैं और सेबी के डेफिनेशन के मुताबिक स्मॉल कैप कंपनीज वो सभी कंपनीज हैं जो दो सौ या नीचे की रैंक वाली हैं कंपनीज की इस लिस्ट जिसमें कंपनीज को लार्ज मिड और स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग लेबल किया गया है उसे ए वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है यह लिस्ट हर एक छः महीने पर रिवाइज की जाती है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं अब जैसा कि कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन हर मिनट चेंज होता है तो इस लिस्ट के फ्लूड होने की उम्मीद की जा सकती है जिसमें कंपनीज अपने कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इन और आउट हो सकती हैं। तो रेफरेंस के लिए कैपिटलाइजेशन में अड़तालीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनीज लार्ज कैप्स हैं सोलह हजार करोड़ रुपए से कम की कंपनीज स्मॉल कैप्स हैं और सोलह हजार से अड़तालीस हजार करोड़ के बीच की कंपनीज मिड कैप्स हैं अब एक जनरल कंसेप्शन ये है कि लार्ज कैप्स रिलेटिवली कम रिटर्न देता है पर उनके साथ रिस्क भी कम होता है हमारे विचार से ये एक बॉर्डर लाइन रिप्रेजेंटेशन है और ऐसा लोअर रिस्क फेज के कारण है जिससे नए इन्वेस्टर्स को इंडिकेशन मिल सकता है कि लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट करने के लिए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं श्योरली ऐसा नहीं है क्योंकि सभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्क रहता है और सबसे अच्छा हम ये कह सकते हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में लार्ज कैप्स में मॉडरेट लेवल का वॉलिटिलिटी होता है लार्ज कैप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और बड़े पैमाने पर आम लोग से हाई लेवल का पार्टिसिपेशन अट्रैक्ट करते हैं जो बदले में इन स्टॉक के लिए काफी लिक्विडिटी ऑफर करते हैं और फाइनली गवर्नेंस स्टैंड पॉइंट से लार्ज कैप्स ने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा शेयर होल्डर डिसिप्लिन दिखाया है जो ज्यादा प्रमोटर ड्रिवन होते हैं इसके अलावा इन कंपनीज को कवर करने वाले कम एनालिस्ट्स के कारण मिड और स्मॉल कैप कंपनीज पब्लिक की नजरों में आने से बच जाते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए इन कंपनीज पर अपने एस्टिमेट्स के साथ केयरफुल और कंजर्वेटिव होना और भी इंपॉर्टेंट बना देता है अब याद रखिए जो मैंने पहले कहा था कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ओपिनियन बायसेस और कुछ विजुअल ट्रिक्स पर डिपेंड करता है और लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में जनरलाइजेशन करना भी दूर नहीं है इनफैक्ट अभी तक इस वीडियो में हम यही कर रहे हैं लेकिन अगर सच कहा जाए तो किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना केवल कई अवेलेबल स्ट्रैटेजीज में से एक है और एक अच्छे इन्वेस्टर को इसे समझने की जरूरत है मैं इस पॉइंट पर जोर देने के लिए कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूं आइए एच या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्जाम्पल लेते हैं करंटली ये कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से एक सौ रैंक पर है बट सेबी की डेफिनेशन के मुताबिक इसका साइज इसे एक मिड कैप कंपनी बनाती है बहरहाल अगर हम एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के बेसिस पर अपने पूरे डेटा बेस को सॉर्ट करते हैं तो मान लीजिए जनरेटेड प्रॉफिट पर सॉर्ट करते हैं तो एच अब एक सौ रैंक की कंपनी नहीं रह गई है लेकिन अब ये भारत में चौंतीसवीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है और अगर हम रेवेन्यू को अपना प्रेफर्ड मेट्रिक मानते हैं तो एच और अच्छा करती है और भारत की छठी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन जाती है इसलिए स्ट्रैटेजी के बेसिस पर कंपनी एक स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप या एक मेगा लार्ज कैप कंपनी हो सकती है और इसके जैसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं टाटा मोटर्स को ले लीजिए जो इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत की इकतीसवीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है लेकिन रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट से यह आठवीं सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी भी है लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है तो तेरह करोड़ रुपए के लॉस के साथ टाटा मोटर्स पांच सबसे कम प्रॉफिटेबल इंडियन कंपनीज में से एक है इसलिए याद रखिए कैपिटलाइजेशन केवल एक स्ट्रैटेजी है और कई दूसरी मेट्रिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका यूज कंपनीज को कैटेगराइज करने और अपने इन्वेस्टिंग फैसले को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है वीडियो के इस सेक्शन में हम एक क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करेंगे मेरा मतलब है कि हम निफ्टी कंपनीज को उनके साइज के अकॉर्डिंग लार्ज मिड और स्मॉल कंपनीज में लेबल करेंगे लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स जैसी कुछ अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेशन में उनको इवेल्यूएट करेंगे आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ शुरू करें और इस स्टडी के लिए हम टॉप 500 निफ्टी कंपनीज का इस्तेमाल करेंगे यहां डेटा रेवेन्यू प्रॉफिट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जैसे ज्यादातर एरियाज में लार्ज कैप्स का डोमिनेंस शो करता है और इसी की उम्मीद भी थी लेकिन ये डेटा तब और भी दिलचस्प बन जाता है जब हम डेटा सेट को क्रॉस रेफरेंस करते हैं एग्जाम्पल के लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर टॉप सौ कंपनियों को लेने के बजाय क्या होगा जब हम इसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टॉप सौ कंपनीज को छांटे ठीक है यहां हमने क्या पाया पहली बात यह है कि टॉप 100 एम कैप कंपनीज के ऑपोजिट जिन्होंने प्रॉफिट के चौहत्तर परसेंट का कंट्रीब्यूशन दिया उसकी जगह पर टॉप 100 प्रॉफिटेबल कंपनीज ने निफ्टी 500 कंपनीज के प्रॉफिट में चौरासी परसेंट का सरप्राइजिंग कंट्रीब्यूशन दिया जो एक बड़ा नंबर है दूसरी बात हम पाते हैं कि कंपनी के साइज का इसके प्रॉफिट के साथ मॉडरेट कोरिलेशन है इस डेटा को देखें टॉप 100 प्रॉफिटेबल कंपनीज में से छब्बीस कंपनीज असल में उनके कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग मिड कैप्स हैं इसलिए वो अपने रनिंग मार्केट कैप टॉप 100 से बाहर है और इससे भी ज्यादा सरप्राइज होने की बात यह है कि भारत की टॉप 100 प्रॉफिटेबल कंपनीज में से पांच तो स्मॉल कैप कंपनीज हैं अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये कंपनीज कौन सी हैं तो ये है हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड प्रेजेंटली इन सात कंपनीज के पास 6000 से 16000 करोड़ रुपए के बीच का मार्केट कैप है और इन सभी कंपनीज ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सत्रह से बासठ करोड़ रुपए के रेंज में प्रॉफिट डिलीवर किया है इसलिए यहां पॉइंट ये निकल आ रहा है कि साइज हर एक ओकेजन्स के लिए नंबर वन फॉर्मूला नहीं हो सकता है लेकिन किसी भी इन्वेस्टर के लिए जिससे मैं बात करता हूं एक डेफिनेट क्राइटेरिया क्या है वो ये है कि हर कोई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है हालांकि यहां कुछ परसेप्शंस हैं कुछ इन्वेस्टर फील करते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज दूसरी कंपनीज के कंपेरिजन में तेजी से ग्रो करती हैं क्योंकि उनके पास बड़े ब्रांड हैं बेहतर प्राइसिंग है कंपटीशन का सामना कर सकते हैं और हाई प्रोफेशनलिज्म के साथ ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं जो फील करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज लीन निम्बल और ग्रोथ हंगर होने के कारण उनमें ग्रोथ करने के हायर चांसेस होते हैं यह परसेप्शन का सवाल है इसलिए हम इसे डेटा पर छोड़ देते हैं रेवेन्यू के फ्रंट पर ये शायद थोड़ा मायूसी वाला हो सकता है लेकिन हर एक दो में से एक कंपनीज ने 10 परसेंट से कम की एनुअल ग्रोथ रेट शो की है मोर स्पेसिफिकली लार्ज और मिड कैप कंपनीज के कंपैरिजन में स्मॉल कैप कंपनीज के मामले में ऐसा ज्यादा प्रतीत होता है असल में एग्रीगेटली एवरेज इंडियन कंपनी हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट रेंज में बढ़ी है और केवल लगभग बीस कंपनीज ने रेवेन्यू के लिहाज से कम से कम बीस ग्रोथ डिलीवर की है प्रॉफिटेबिलिटी के नज़रिए से हम थोड़ा ज्यादा प्रॉमिसिंग ट्रेंड देखते हैं जहाँ आधे से ज़्यादा कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 10% परसेंट से ज्यादा का ग्रोथ शो कर रही है लेकिन ये कहने के बाद ये देखना अच्छा है कि ब्रॉडर इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा पीरियड न होने के बावजूद दस कंपनीज में से तीन ने इन पिछले 5 सालों में बीस का सी डिलीवर किया है और आखिर में हम अपना ध्यान रिटर्न ऑन इक्विटी पर शिफ्ट करते हैं जो हमें एक अच्छा आइडिया देता है कि कैसे कोई कंपनी एफिशिएंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है यहां डेटा शो कर रहा है कि कैपिटलाइजेशन में लगभग 70 परसेंट इंडियन कंपनीज 10 परसेंट से ज्यादा आर जनरेट करती हैं। असल में ये केवल तभी होता है जब हम बीस से ज्यादा वाली आर कंपनीज की तलाश करते हैं जिसमें हम पाते हैं कि बत्तीस से ज्यादा लार्ज कैप कंपनीज और उनतीस से ज्यादा कंपनीज 20 परसेंट प्लस आर जनरेट कर रही है हमने एग्जामिनेशन के लिए आर ग्रोथ रेट कैश फ्लो प्रॉफिट रेवेन्यू वगैरह जैसे मेट्रिक का यूज किया है इसके अलावा और भी फ्लैगपोल हैं जिनका एग्जामिनेशन में यूज किया जा सकता है पीई रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो डेट इक्विटी रेशियो वगैरह जैसे अन्य कई रेशियोज हैं जिनका आमतौर पर रोजमर्रा के इन्वेस्टर्स द्वारा यूज किया जाता है लेकिन मोमेंटम स्कोर वैल्यू स्कोर क्वालिटी वगैरह जैसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैट्रिक्स भी हैं जो साथ मिलकर कंपनीज के कैटेगरी को एक मीनिंगफुल शेप देती है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन से बियॉन्ड है हम सभी ने कई एक्सपर्ट्स को देखा और सुना है जो कहते हैं कि यंग इन्वेस्टर्स को अपना पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में रखना चाहिए लेकिन असल में उनका मतलब यह है कि 20 से 30 के एज ग्रुप के लोगों को थोड़ा एडिशनल वॉलिडिलिटी को सहन करते हुए उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से शर्माना नहीं चाहिए जो एक बेहतर आर एक सुपीरियर बिजनेस मॉडल और हाई ग्रोथ पोटेंशियल के कारण पॉसिबली हायर रिटर्न ऑफर कर सकती हैं हमने जो स्टडी आज की है वो शो करती है कि आपको किसी मिड कैप या स्मॉल कैप माहौल के भीतर खुद को बंद करने की जरूरत नहीं है और ये भी कि लिस्टेड कंपनीज के पूरे यूनिवर्स में पोटेंशियल विनर्स होते हैं हम तीन अप्रोच देखते हैं जिन्हें इन सिलेक्ट कंपनीज़ को पिक करने के लिए यूज़ में लाया जा सकता है पहला डायरेक्ट है जिसका मतलब आप खुद को एक ट्रेडिंग अकाउंट दें और इंडिविजुअल स्टॉक खरीदें जो आपकी क्राइटेरिया को पूरे करते हों और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो हम आपको एक वंडरफुल वीडियो रेकमेंड करते हैं जो हमारे पास इस टॉपिक पर है जहां डीएसपी म्यूचुअल फंड से कल्पेन पारे अंडरवैल्यूड स्टॉक की पहचान करने के लिए एक तीन स्टेप वाली प्रोसेस को प्रिस्क्राइब करते हैं सेकेंड अप्रोच किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के जरिए है अब आपको किसी फंड पर जीरो इन करने या किसी फंड मैनेजर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल स्टाइल में काम करता हो यह पता लगाने के लिए कुछ काम करने की जरूरत है हमारे पास दो वीडियोस हैं जो बताते हैं कि यह प्रोसेस कैसे काम करता है जहां हमने एच डी एफ सी टॉप हंड्रेड फंड और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की स्टॉक पिकिंग स्टाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की है जो आप चाहते हैं उसे पाने का तीसरा तरीका और ये एक ऐसा अप्रोच है जो अब ज्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है फैक्टर इंडेक्सिंग आप इंटरनेट पर इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत जल्द कहें तो फैक्टर इंडेक्स स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करने पर नजर रखता है और ये बहुत कुछ उसी तरह है जिन पर हमने डिस्कशन किया है जैसे प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यूएशन ग्रोथ रिस्क मोमेंटम वैल्यू वगैरह इनफैक्ट ई टी मनी चैनल पर हमने कुछ ऐसे फंड्स के बारे में बताया है जो एक या मल्टीपल फैक्टर्स का यूज करते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट किए गए कुछ इनसाइट्स को आपने पसंद किया होगा ये वीडियो कैपिटलाइजेशन की कन्वीनियंट स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर इन्वेस्टिंग को देखने में मदद करने का हमारा एक एफर्ट था अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो उस लाइक बटन पर ज़रूर टैप करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और ज़्यादा इंसाइटफुल वीडियो के लिए ई टी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टाइम निकालने के लिए आपको बहुत धन्यवाद और मैं जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.